अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है? अपवर्तनांक को पिछले वीडियो में पढ़े कि अपवर्तनांक एक महत्वपूर्ण भौतिक राशि है जो आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात के बराबर है। निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है? जब प्रकाश का अपवर्तन निर्वात से किसी माध्यम में होता है, निर्वात से किसी माध्यम में होता है तो आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात निरपेक्ष अपवर्तनांक का होता है। यानी निरपेक्ष अपवर्तनांक में आपतन कोण का पहला माध्यम निर्वात होता है, पहला माध्यम निर्वात होता है तो निरपेक्ष अपवर्तनांक ये बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की ज्या बटा माध्यम में प्रकाश की ज्या। निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल को हम कहते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि अपवर्तनांक बराबर होता है पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। चूंकि यहाँ निरपेक्ष अपवर्तनांक है, निरपेक्ष अपवर्तनांक तब होता है जब पहला माध्यम निर्वात है, इसलिए निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात ये निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है। अब है अपवर्तन का दैनिक जीवन में प्रयोग। अपवर्तन की घटना का हमारे दैनिक जीवन में अनेकों प्रयोग है। जैसे पानी में आंशिक डूबी हुई पेंसिल का कुछ टेढ़ा दिखे, आपने देखा होगा यदि कोई पेंसिल है आप पानी में इस तरह तिरछा रख दें तो देखते हैं कि नीचे का पार्ट कुछ टेढ़ा दिखाई देता है। ये क्यों टेढ़ा दिखाई देता है? ये अपवर्तन पर आधारित घटना। जब निचले हिस्से से प्रकाश किरण आती है और यहां सतह पर जब आती है तो यह सतह क्या करती है? अपवर्तक तल का कार्य करती है, दो माध्यम गर्भवाही हो जाता है और इधर पानी है, दोनों माध्यमों को अलग अलग करने की कारण यह है अपवर्तक तल। तो चूंकि वायु पानी से विरल है, जब सर पढ़े हैं कि जब सघन माध्यम से प्रकाश किरण विरल माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब से दूर होती है, किरण सीधे से जाती है लेकिन थोड़ा इसे झुक करके जा रही है, दूसरी किरण भी इसे जा रही है लेकिन झुक जा रही है, प्रेक्षक के आंखों पर पड़ गई है। इन दोनों किरणों को पीछे बढ़ाए यहां आकर के मिलती है और प्रेक्षक को प्रतीत होता है पेंसिल का निचला सिरा यहां पर और यहां से इस तरह से पेंसिल टेढ़ी दिखाई देती है। यह है पेंसिल का आंशिक रूप से
सूर्य दिखाई दे रहा क्षितिज से निकल रहा है तो वास्तव में वह नीचे होता है, लेकिन वो दिखाई देने लगता है। यदि अपवर्तन की घटना है, जैसे सूर्य से सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो वायु है, जैसे जैसे पृथ्वी की ओर जाती है वह सघन होती जाती है। यहां से प्रकाश किरण चल रही है, ये क्षितिज है, और यहां आने के बाद फिर अभिनंद की ओर झुक जाती है, यहां और झुक जाती है, झुकते झुकते यह पृथ्वी पर खड़े प्रेक्षक के आंखों पर पड़ती है, प्रेक्षक के आंखों पर पड़ती है, और प्रेक्षक को लगता है कि प्रेक्षक को लगता है कि ये किरण यहां से आ रही है, और सूर्य क्षितिज से ऊपर दिखाई देने लगता है, इसका आभासी प्रतिबिंब दिखाई देता है। ये लगभग 4 मिनट 2 मिनट की 4 मिनट है, पहले सूर्य दिखाई देने लगता है सूर्योदय के समय। इसी तरह से सूर्यास्त के समय सूर्य क्षितिज से नीचे चला जाता है, तब भी वह दिखाई देता है। यही चीज है, वहां नीचे भी चला जाता है तो उसको ऐसा लगता है कि ऊपर ही है। तो ये हमारे अपवर्तन का दैनिक जीवन में प्रयोग है, और भी घटनाएं हैं, तारों का टिमटिमाना, आकाश में तारे हम टिमटिमाते रहते हैं, तमाम घटनाएं हैं जिसका अध्ययन करेंगे हम लोग। अब इसके आगे बढ़ेगा कल अगली वीडियो में देखें। धन्यवाद।